नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ये खूबसूरत सा बेबी फ्रॉक बनाएंगे। ये फ्रॉक न्यू बॉर्न बेबी के लिए है, सिंपल और ब्यूटीफुल। बनाना बहुत ही आसान है और देखिए कितना खूबसूरत है। 0 से 3 मंथ बेबी के लिए है। इसे मैं 2 पार्ट में अपलोड करूंगी। फर्स्ट पार्ट में हम अपर पार्ट बनाएंगे यानी चोली बनाएंगे और सेकंड पार्ट में हम इसका घेरा बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरे फ्रॉक का डिज़ाइन अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फ्रॉक बनाते हैं। सबसे पहले हम 90 चेन बनाएंगे। अब हम 90 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 चेन हम ढीला ढीला ही बनाएंगे। हमने 90 चेन बना लिया। हम 1-2 चेन और एक्स्ट्रा बना ले रहे हैं ताकि हमें बुनते समय चेन कम न पड़ने पाए, वरना हमें इसे खोलना पड़ेगा। तो हमने 2 चेन एक्स्ट्रा बना लिया। अब देखिए, पहले वाले चेन को छोड़कर दूसरे वाले चेन में हम ऐसे स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1-2 और 1 बल लेंगे। अगले वाले चेन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बल लेंगे। नेक्स्ट वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमारे ये 3 हो गए। हमें 10 बनाना है, 3 यानी 7 हम डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिया। इसे हम 1 काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 10 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम अगले वाले में 2 बनाएंगे। 1 बनाया और इसी में एक और बनाया। अब हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन बनाएंगे और 1 बल लेंगे और नेक्स्ट वाले में भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और 2। अब हम 20 चेन बनाएंगे। यहाँ पे हमने 10 डबल क्रोशिया बनाया, अब यहाँ पे आगे हम 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 20 डबल क्रोशिया बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने 20 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम ऐसा ही यहाँ पे बनाएंगे, यानी अगले वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 बना लिया, फिर उसी में एक और बना लिया, 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। अब फिर हमें 20 डबल क्रोशिया बनाना है। अगले वाले से हम बनाना शुरू करेंगे, 1, 2, 3। तो हम कुल 20 डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे। 3 हमने बना लिया है और ये चौथा है। तो हमने 20 डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर हमें ऐसा कॉर्नर बनाना है, तो इसके लिए फिर हम नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बनाया, फिर इसी में दूसरा बना लिया, फिर 2 चेन बनाया और फिर नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया। अब हम फिर 20 डबल, तो हमने अब हम फिर 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने फिर 20 डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर हमें यहाँ पे कॉर्नर बनाना है, यानी बल लेंगे और अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बनाया, फिर इसी में एक और बनाया, फिर 2 चेन लिया, फिर नेक्स्ट वाले में हम
दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर हमें 10 डबल क्रोशिया बनाना है। और जो ये चेन हमने एक्स्ट्रा लिया था उसे हम ऐसे खोल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट राउंड ये तैयार हो गया और ये बेस हमारा फ्रॉक का बेस तैयार हो गया है। हमने ये देखिए साइड में 10-10 फंदे 10-10 डबल क्रोशिया बनाया है और बीच में 20-20 डबल क्रोशिया बनाया है और दोनों के बीच में देखिए 4 डिवाइडर बनाया है। अब ये हमारा इस तरह बन के तैयार होगा। ये दोनों फ्रंट के पार्ट है, फ्रंट और बैक के हैं और यहाँ पे हमारा आस्तीन बनेगा। तो ये हमने फर्स्ट राउंड बना लिया और हमारा बेस तैयार हो गया। अब हम फिर सेकंड राउंड बनाएंगे। तो हम 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3 एक बल लेंगे और ये हमारा ये चेन जो है इसका ऊपर का डबल क्रोशिया मान लिया जाएगा। तो अब एक बल लेंगे, नेक्स्ट वाले को छोड़ के अगले वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाया, एक बल लिया अगले वाले को छोड़ के उसके आगे वाले में एक डबल क्रोशिया। फिर एक चेन लिया, एक बल लिया नेक्स्ट वाले को छोड़कर अगले वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेंगे, बल लेंगे और एक हम देखिए प्रत्येक में ना बनाकर एक एक को स्किप कर करके हम बनाएंगे। तो हमने इसके ऊपर बना लिया या इसको हम स्किप करेंगे, अगले वाले को के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, इसे बनाया यहाँ स्किप करके एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया। अब फिर हम एक चेन लेंगे, बल लेंगे और अब हमें यहाँ पे जो हमने कॉर्नर बनाया है वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक बना लिया, फिर 2 चेन लेंगे, फिर इसी जगह एक और डबल क्रोशिया, एक चेन बनाएंगे, बल लेंगे, एक को स्किप करके अगले वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह एक चेन बनाएंगे, बल लेंगे, एक को छोड़ के अगले वाले में, यानी 2 डबल क्रोशिया के बीच में हम एक चेन बना रहे हैं। अब देखिए हम फिर कॉर्नर के पास आ गए, तो यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर एक 2 चेन लिया, फिर इसी जगह पे एक और डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लिया और फिर हमें एक एक डबल क्रोशिया को स्किप करते जाना है और है अगले वाले में डबल क्रोशिया। और देखिए कॉर्नर के ऊपर हमें कॉर्नर बनाते जाना है। तो इस तरह हम सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दूसरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हम फिर 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 और देखिए अब हम गैप में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो गैप में बनाया, फिर ये जो हम हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम बनाएंगे, फिर गैप में बनाएंगे, फिर इसके ऊपर बनाएंगे, यानी अब की जितने भी चेन हमारे हैं हम सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। और अब हम देखिए डिवाइडर के पास आ गए, यानी कॉर्नर के पास आ गए। तो यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर 2 चेन बनाया, फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया और उसके बाद प्रत्येक
डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है और जो गैप है इसमें भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है। गैप में भी डबल क्रोशिया बनाना है और जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम फिर कॉर्नर के पास आ गए तो हमें यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाना है। एक हमने बनाया और फिर दो चेन बना के फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया। तो देखिए ये हमारा कॉर्नर बनता चला जा रहा है, ये हमारा कॉर्नर है। फिर प्रत्येक डबल क्रोशिया पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है और जितने गैप हैं उसमें भी हमें डबल क्रोशिया बना के ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने थर्ड लाइन कंप्लीट कर लिया, अब हम फोर्थ रो बनाएंगे। फोर्थ रो के लिए पहले हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, और फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया में, यानी हमारा फोर्थ रो सेकेंड रो की तरह बनेगा। एक डबल क्रोशिया पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले को हम स्किप कर देंगे और दोनों के बीच में एक चेन रहेगा। ये अब देखिए ये हमारा कॉर्नर आ गया, यहाँ पे हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया फिर दो चेन बनाएंगे, फिर इसी जगह एक और डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक को हमें स्किप करना है, अगले वाले पे डबल क्रोशिया बनाना है, फिर चेन, एक को स्किप करना है, नेक्स्ट वाले पे डबल क्रोशिया, और जितने भी कॉर्नर आएंगे कॉर्नर पे हमें कॉर्नर बनाना है। और यहाँ पे एक एक डबल क्रोशिया को स्किप करते जाना है और दो डबल क्रोशिया के बीच में एक चेन बनाएंगे। तो इस तरह हम पूरी राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने फोर्थ लाइन भी कंप्लीट कर दिया, अब हम फिफ्थ लाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हम तीन चेन बनाएंगे, और अब पहले गैप में, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर गैप में, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, यानी हम अपना थर्ड लाइन दोहराएंगे। गैप में भी हमें बनाना है और डबल क्रोशिया के ऊपर भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए हमारा ये कॉर्नर आ गया, तो यहाँ पे हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया फिर उसके बाद दो चेन बनाया, फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया। इस तरह प्रत्येक कॉर्नर पे हमें कॉर्नर बनाना है और चेन के ऊपर भी डबल क्रोश, जो गैप है यहाँ भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है और डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाना है, यानी हम यहाँ पे अपना थर्ड राउंड दोहराएंगे। तो फिफ्थ राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पाँचवा लाइन भी कम्प्लीट कर दिया, अब हमारा छठा राउंड चलेगा। तो देखिए वो कैसे बनाएंगे, अभी तक हम तीन चेन बनाते थे और ऐसे वापस लौट जाते थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि ऐसे इसको कायदे से रखेंगे और फिर ऐसे संभाल के दोनों सिरों को उठाएंगे, एकदम हम ऐसे कायदे से रखेंगे, ये घूमना नहीं चाहिए, ऐसे दोनों सिरों को उठाएंगे और स्लिप स्टिच से इसे आपस में जोड़ देंगे। तो ये हमने
दोनों सिरे आपस में जोड़ दिए। अब फिर हम यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे। बल लिया और इस वाले चेन को छोड़कर अगले वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, एक को छोड़कर, इस वाले को छोड़कर नेक्स्ट वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी अपने सेकेंड राउंड को हम दोहरा रहे हैं। दो डबल क्रोशिया के बीच में हम एक चेन रखेंगे। देखिए कॉर्नर पे हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम पांच चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच चेन बनाया और अब इस पूरे हिस्से को हम स्किप कर देंगे और दूसरे चेन के पास पहुंचेंगे और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन बनाया, एक को स्किप किया अगले वाले में डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाया, एक डबल क्रोशिया को स्किप किया अगले वाले में डबल क्रोशिया। अब देखिए फ्रेंड्स, हम फिर कॉर्नर के पास आ गए हैं। हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम फिर यहाँ पे पांच चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, फिर इस पूरे पोर्शन को हम स्किप करेंगे और यहाँ पे हम एक बल लेंगे और अलग, देखिए हम अब कॉर्नर में आ गए हैं। यहाँ पे हम एक बल लेंगे और इस कॉर्नर पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर एक चेन, एक को छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक को छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया, इसी तरह करते हुए पूरी राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आए, तो एक चेन लिया और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। हमारा ये सिक्स्थ राउंड कंप्लीट हो गया। अब फिर हम तीन चेन बनाएंगे और अब प्रत्येक चेन पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है, यानी कि ये जो हमारे गैप हैं इसमें भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, यानी हम अपना थर्ड राउंड यहाँ पे वापस दोहराएंगे। अब देखिए ये हमारे पांच चेन आ गए, तो इसमें भी हमें प्रत्येक में डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक चेन पर डबल क्रोशिया बनाते हुए हम पांच चेन के पास पहुंच गए हैं। तो अब इन पांच चेनों में भी हमें प्रत्येक में एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। और फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और गैप में भी डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। तो हमने सातवां लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम फिर तीन चेन बनाएंगे और अब एक चेन छोड़कर अगले चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी हम अपना दूसरा लाइन फिर से रिपीट करेंगे। एक चेन बनाया, फिर एक चेन को छोड़कर अगले चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, एक चेन को छोड़ेंगे और अगले में डबल क्रोशिया। तो हम
इसी तरह करते हुए आठवां लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो आठवां लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा आठवां लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम एक चेन लेंगे और देखिए ये जो हमने तीन चेन बनाए थे, तो तीसरे वाले चेन में हम ऐसे इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो इसके साथ ही हमारा आठवां लाइन कंप्लीट होता है। अब हमारा ये नवा राउंड है, तो क्या करेंगे, हम एक बल लेंगे और प्रत्येक चेन में, यानी ये जो डबल क्रोशिया है इस पर भी और जो गैप है यहाँ पर भी, हमें ये हम एक बल लेंगे। फिर देखिए तीनों को हम एक ही बार में ख़त्म कर देंगे। जब हम डबल क्रोशिया बनाते हैं तो एक बल लेते हैं और यहाँ पे हमारा तीन आया, फिर इसको एक बार में दो ख़त्म करते हैं और फिर दूसरी बार में दो ख़त्म करते हैं। लेकिन इसमें हम बल लेते हैं, यहाँ से हमने फंदा निकाला और तीनों को एक ही बार में ख़त्म कर देते हैं। तो प्रत्येक चेन में हमें बनाना है, जो हमारा डबल क्रोशिया है उस पर भी और जो गैप है उस पर भी, प्रत्येक पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने नाइन्थ रो कंप्लीट कर लिया। अब हम फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे आए हैं, तो हम एक चेन लेंगे और इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो अब हम इसे खींच ले रहे हैं और काट देंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसी के साथ हमारे बेबी फ्रॉक का चोली खत्म हो गया है। देखिए इसकी चौड़ाई है लगभग 7.25 इंच, इस तरह नापे तो 5 इंच। न्यू बॉर्न बेबी का चोली तैयार हो गया है। अब अगले पार्ट में हम इसका घेरा बनाएंगे। तो आशा है आपको ये पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसे ज़रूर शेयर करें, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।